हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई देखिए 13.5 रखे, इसकी चौड़ाई 10 रखी है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 है, आर्म होल की भी 5.5 ही में रखे हूँ और गले की चौड़ाई 2.5 इंच, 2.5 इंच रख रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। नीचे के साइड से 3 इंच का लेंगे, यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर दीजिएगा। दोनों मार्किंग को बराबर करते बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा, जितना आपको डीप पहनना हो गला। तो यहाँ से बराबर में पूरा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ मैंने कर दी है, अब गले की डिज़ाइन का मार्क करेंगे। तो वीडियो में आप देख रहे हैं मैं डिज़ाइन का मार्क किस तरीके से कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। आप सेम कटिंग करेंगे जैसे मार्किंग की है, तो मार्किंग के ऊपर से पूरा गले की कटिंग कर देंगे। तो मैंने देख लीजिए गले की परफेक्ट तरीके से कटिंग कर दिया। मार्क के ऊपर से भी इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक ले लेंगे और इसकी भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे अभी अस्तर का किया है। तो दोनों को बराबर में कट कर लीजिएगा। तो गले की कटिंग मैंने परफेक्ट तरीके से पूरा कर दिया। दोनों को बिल्कुल बराबर रखिएगा अस्तर कपड़े को और इसके गले को स्टिच करेंगे। देख लीजिए मैं सिलाई कैसे गले पे लगा रही हूँ। इस तरीके से अस्तर और कपड़े को दोनों को बराबर रखते हुए पूरे गले की स्टिचिंग करना है आपको। तो मैंने देखी गले को कम्प्लीटली पूरा सिलाई लगाते हुए स्टिच कर दिया है। इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे गले पे, इससे जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इस पर कट लगा रही हूँ। कट लग चुका है, इसको पलट कर सीधा कर देंगे। जितनी भी डिज़ाइन है उसे हाथों से प्रेस करके सीधा कर लीजिएगा। तो देखिए गला सीधा हो चुका है, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे तो आपको वीडियो में क्लियर समझ में आएगा। इस तरीके से इसकी फिनिशिंग कर लीजिएगा। तो कम्प्लीटली मैंने देखी गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और साइड से इसकी पूरी सिलाई लगाते हुए इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने ये ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो माप ले लेंगे और दोनों साइड से बराबर में टक्स को लगा लेते हैं ब्लाउज़ में। तो एक साइड से मैंने टक्स को लगा दिया, दूसरे साइड से माप लेते हुए टक्स को लगा देंगे। तो ये दोनों साइड से टक्स लग चुका है। हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक अस्तर का फैब्रिक कट करूँगी जिससे नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। इसको पहले ब्लाउज के साथ में नीचे के साइड से जॉइंट करना है। तो देख लीजिए मैं कैसे इसकी जॉइंटिंग करूँ। इस तरीके से ब्लाउज के नीचे के साइड से इसको पूरा फिक्स कर देंगे। तो ये ब्लाउज़ के साथ में मैंने देखिए नीचे के साइड से इसको जॉइंट कर दिया। अब इसको बराबर में पहले फैलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा तो इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। तो इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। अब जो इसको डबल फोल्ड करेंगे ब्लाउज के साथ में जॉइंट करके नीचे का पूरा बॉर्डर बना देंगे। देख लीजिए बॉर्डर में कैसे बना लो, ऐसे बॉर्डर बना लीजिएगा। तो मैंने आपको ये पूरा बॉर्डर बनाते हुए दिखा दिया। क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब इसके गले पे डिज़ाइन करनी है। ब्लाउज को साइड रखेंगे, जो गले में से अस्तर कट होने के बाद निकल रहा था उसको देखिए लेके उसके ऊपर इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर ली, इसकी पूरी कटिंग करेंगे जैसे मार्किंग की, सेम उसी तरीके से कटिंग भी इसकी कर दीजिएगा। तो ये देखिए अस्तर की कटिंग कर दिया। इसके साथ में बकरम लेंगे। तो ये मैंने देख लीजिए बकरम ले लिया। बकरम को डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये डिज़ाइन को इस तरीके से रखेंगे और जैसे ये डिज़ाइन कटी हुई है इसके पूरे साइड से उसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। स्टिचिंग के लिए 1 इंच देखिए मैंने ऊपर के साइड एक्स्ट्रा लिया है और इसके अंदर की साइड नहीं लेना, साइड से आप 1/2 इंच ले लीजिएगा जो स्टिचिंग में ही जाएगा। तो 0.2 इंच के ही जितना ही लीजिए जो स्टिचिंग में आ जाएगा। तो ये बकरम की कटिंग हो चुकी है। ये अस्तर ले लिया, ब्लाउज़ का फैब्रिक ले लिया है। तो ब्लाउज़ के फैब्रिक को रॉन्ग साइड से रखिएगा पलट कर और इसको स्टिच कर देंगे पूरा इसके ऊपर।
तो देख रहे हैं मैं बराबर करती हूँ कैसे इसके साइड से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से साइड से पूरा सिलाई लगाती हूँ। इन दोनों फैब्रिक के साथ में इसको ज्वाइंट कर देंगे पूरा। तो इसकी पूरी अच्छे से स्टिचिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा इसमें से कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके साइड से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे जब डिज़ाइन को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। तो पूरे साइड से ये कट लगा लिया है मैंने। इसको पलट कर देखिए मैं कैसे सीधा करी। इस तरीके से प्रेस करते हुए दोनों साइड के डिज़ाइन को सीधा कर देंगे। एक साइड का सीधा हो चुका है, दूसरे साइड का भी देखिए मैंने इस तरीके से प्रेस करते हुए सीधा कर लिया। हाथों से इसको प्रेस करते हुए बना देंगे पूरा। अब इसके साइड से पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। देख लीजिए कैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे पूरा कर दीजिएगा। बीच का इसको छोड़ देंगे, ये डिज़ाइन के साथ में अच्छे से स्टिच हो जाएगा। तो डिज़ाइन ले लिए हैं बनाने के लिए पट्टी। इसकी चौड़ाई 3 इंच रखें। इसको डबल फोल्ड करके पहले इसके साइड से पूरा सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलट कर सीधा कर दीजिएगा डिज़ाइन को, जो बना रहे हैं डिज़ाइन। ये सीधी हो चुकी है। अब इसको 3 पार्ट में कट करेंगे। तो इसकी लंबाई जो रखिएगा वो 3 इंच रखनी है। तो मैंने 3 इंचेस के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया, इसको कटिंग करके अलग अलग कर लिए हैं। अभी मोती लिए, मोती से इसको बनाना है तो इसका बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले इसको मिड से फोल्ड करके हाथों से प्रेस करेंगे और यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में इसको स्टिच कर देंगे। और यहीं से एक मोती लगाते हैं, इसको इसके दूसरे साइड से इसको बांध लेंगे टाइट। तो एक डिज़ाइन मेरी ये बन चुकी है। ऐसे दोनों बना देंगे सेम। अब ये मैंने बना लिया है। अब डिज़ाइन लेंगे और डिज़ाइन के साथ में इसको स्टिच करेंगे। तो इसको बराबर रख देंगे डिज़ाइन के साथ में और इसके ऊपर की साइड से पूरा सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन के साथ में इसको स्टिच कर देंगे। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर लीजिएगा। तो इसके साथ में डिज़ाइन भी देखिए स्टिच हो चुका है। अब इस डिज़ाइन के साथ में ब्लाउज़ लेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा देंगे पूरा। तो देख लीजिए डिज़ाइन को मैंने ब्लाउज के गले के अंदर के साइड स्टिच किया। अब इसको साइड रखेंगे और एक पट्टी मैंने ये कट की, इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। इसको डबल फोल्ड करेंगे, इसके साइड से पूरा सिलाई लगाते इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए पट्टी पूरी बन चुकी। इसको पलट कर सीधा करेंगे तो किसी भी चीज़ से प्रेस करते हुए सीधा कर लीजिएगा। फिर सेफ्टी पिन से इस तरीके से सीधा कर दीजिएगा पलट कर। तो डिज़ाइन सीधी हो चुकी, हाथों से इसको पूरा प्रेस कर देंगे और इसके मिड से सिलाई लगाते हुए इसका फ्रिल बनाएंगे। देख लीजिए मैं कैसे इसका फ्रिल बना रही हूँ। इस तरीके से इसके बीच से सिलाई लगाते हुए फ्रिल बनाना है। तो पूरे ऐसी पट्टी की फ्रिल बना दीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरा अच्छे से इसका फ्रिल बना लिया है। अब इसको साइड रख के ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज के गले के नीचे के साइड से इसको स्टिच करेंगे। देख लीजिए कैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे बराबर रखते हुए पूरा स्टिचिंग इसकी कीजिएगा। थोड़ा सा इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे स्टार्टिंग में, फिर इसको स्टिच करेंगे डिज़ाइन के साथ में। और यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर के साइड फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये कम्प्लीटली स्टिच हो चुका है। इसको डेकोरेट करने के लिए मोती लिए हैं। अब डिज़ाइन को देखिए मैं कैसे डेकोरेट कर रही हूँ, आपको क्लियर वीडियो में समझ में आएगा। इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए इसके ऊपर मोती लगाते हुए इसको डेकोरेट कर देंगे पूरा। तो कुछ मोती मैं लगा के दिखा रही हूँ और सारे डिज़ाइन पे सेम ऐसी मोती लगानी है आपको। जैसे मैंने दिखाया वैसे ही पूरा डेकोरेट कर दिया है। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जो ऐसे ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।